सुबह सुई अभी ये पहला सुबह सुई है ना इस अच्छे तरीके से, मुझसे इतनी जल्दी नहीं दूध निकाला जा। दो हथा ना चौंक एक ना थले रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आसिया व्लॉग ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो जिस सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठी हूँ, मुँह हाथ धोए हैं और बड़ी सुस्ती छाई हुई है। दिल नहीं कर रहा कि मैं व्लॉग बना लूँ, पर हल मजबूरी है। दो दिन हो गया मैंने व्लॉग अपना नहीं बनाया, क्योंकि अम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से परेशानी थी, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना सकी। तो मैंने कहा जो काम करती हूँ आपके साथ शेयर कर लूँ, तो आप हम अपना काम करते हैं। और जो जो मेरे नया चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। आए हम करते हैं अपना काम। अरे सुबह सुबह काम करना भी बड़ा मुश्किल है। उठे पड़े तो ये बकरियों को डालते हैं। और ना आज मैं बहुत बहुत ख़ास काम करने वाली हूँ, ये तो आप वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि मैं कौन सा खास काम करने वाली हूँ। सुबह सुबह इतनी नेस्ती छाई होती है, दिल अंदर आए सो ही रहूँ, कोई उठाए ना, मगर क्या करूँ, उठना भी तो मजबूरी है। जी हम अब अपनी बकरियों के पास ये पट्ठे लेके जाएंगे। थोड़े थोड़े खुश्के हैं, अभी तक ना बिजाई करनी है पट्ठों की, मतलब अभी तक बिजाई करनी है, चारा वगैरह लगाना है। अभी तक ना बिजाई नहीं की, बड़ी मुश्किल से गुजारा करना है। पहले अगले पर क्यों ही नड़की है, सही नहीं ना पट्ठन की है। ये देख लें बकरियों के नखरे, इतने पट्ठे पड़े हैं तो नखरे दिखा रही हैं, फिर इन्हें भी चिपा देंगे खा लेंगे हैं। तो और की शाम टाइम फिर पट्ठे नहीं होंगे तो फिर मुँह वाले वेख दिए ने और तारक दौड़ी दौड़ी दुध बकरा 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 दुध बकरा बकरा अंदर वड़ गया बह गया उन्हें दुध पी जाने। जिन्हें तक तू पहुँचना उन्हें तक उन्हें मौजा लुट जानिया ने ना मारी। मिठू बड़ा तू है बदतमीज। इसमें ना ज़्यादा पट्ठे हैं तो वो एक साइड पे करने के लिए फ़ायदा नहीं है, कि शाम को जब बांधेंगे ना उस वक्त अभी तक ना पट्ठे बनाए नहीं होते, चारा वगैरह काटा नहीं होता। तो चलो जो खुशका बड़ा होगा खा तो लेंगी ना, तो अभी मैंने इसमें डाल दिए, इसमें खाती रहेंगी। चल मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, आपको एक और चीज़ दिखाऊँ प्यारी सी, ये देखें। ओए चुत्ता भी है, ओए गोलू मोलू तो चुत्ता भी है, गोलू मोलू तो चुत्ता भी है। तो जी ये अब्बू जी की भैंस है, ठीक है, तो मज ने ना जो भैंस है उसने दिया ये 12 सा कट्टा, 12 सा शुजादा, 12 सा कट्टा। कट्टा मैं लाड़ से कह रही हूँ, कट्टा 12 सा कट्टा, 12 सा कट्टा। तो अभी ना चोली है भैंस, ये दूध पी के सुकून से रेस्ट कर रहा है। सो जाओ सो जाओ। तो जी अब हम करते हैं अपना खास खास काम, तो आपने मेरी वीडियो के साथ साथ जुड़े रहना। ये देखें कट्टी, ये देखें इस भैंस ने दी है कट्टी। ये अब्बू लोगों ने ना ये दोनों भैंसें ली हैं, अल्लाह पाक उनके नसीबों में करे, अल्लाह पाक उन मतलब दूध, और अब पता है हमारे पास अब दूध नहीं है। मसलन गांव से लेके आता तारक 6-7 किलो, 6-7 दिन गुजारा करते हैं, ठीक है, बड़ी मुश्किल से। तो अल्लाह पाक उनके नसीबों में करे, आमीन। तो चलते अपना काम करते हैं। और
ये देखें, मैं बर्तन में पानी लेकर आ गई हूँ। अभी इसको ना दूध भी लाएंगे, धोने ना थान 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 धोने ने थोड़ा पानी ला रे पानी। इन्हें पिछले दिन पैरों थन का पाया कर, पिछले नहीं लेंदी ताकि चाल चाके मार दी। बार बार बस का छोड़ता रहो फिर मार। देखो अपनी माँ को कैसे पी रहे हैं दूध, निके निके निकाली इसके निके निके थाने छोटे छोटे। पहला सुआ सुई, अभी ये पहला सुआ सुई है ना, इसकी वजह से छोटी छोटी थनियाँ हैं, थनी छोटी छोटी थनियाँ हैं। तो मैं अब दूध निकालूंगी भैंस का, क्योंकि मैंने निकालना शुरू कर देना, क्योंकि मैंने तरीका सीखना है। जब मेरी शहजादी अल्लाह दीती सुएगी तो इंशाल्लाह मैं खुद दूध निकाला करूँगी। चलो किलो को फुला ला ना, रोजाक लै मिठो न। पूछना मारे, ओ एक किधर गया? दो थाना चौवा के किनारे थले रखा, फिर इन क्यों पकड़ा नहीं तो छोटे छोटे थाने। उधर ले आखला, ओ भाई तेरे थानों ने अच्छा मुठा थान के चोइए, ज्यादा तकलीफ होती है ना। आज ये आज ना वो ले जाएंगे अपने घर, ठीक है। वो मैं कह रही हूँ कि छोटे छोटे थाने ही चोया कैसे करेंगे। ये नहीं हरकत क्यों कर दी तारक, तू आ खुद ही चो। ये ना बहुत हरकतें कर रही है, इतनी जोर से पाँव मारती है, आप देख रहे हैं ना। तो मैं अब ये ना इतना तो मैंने चोरी है, ये देखें, और मैं ये दे रही हूँ तारक को, वो खुद ही चोएगा, क्योंकि ये ज़ोर से ऐसे टांग मारती है तो मेरा भी नुकसान करेगी और दूध भी गिरा देगी। की करती पिए तू, खड़ी हो नहीं सकती स्कूल ना। वो देखें तारक कैसे चोर है। ये देखें तारक कैसे दूध निकाल रहा है, इतना प्यारा और कितने अच्छे तरीके से। मुझसे इतनी जल्दी नहीं दूध निकाला जाता, ऐसे 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 करके नहीं छोया जाता ना। वो देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से निकाल रहा है दूध। मैं नानी चल रही निकाल लिया मियाँ ने, अब मैं लेके जा रही हूँ इसको अंदर।
माशाल्लाह जी दूध निकाल लिया गया है, ठीक है। अब हम करेंगे दूध को गर्म, उसमें छोटी छोटी फुटी बन जाएगी क्योंकि अभी ताज़ा सुई है ना, अभी तक ताज़ा ताज़ा दो दिन हुए हैं, प्यारी सी कट्टी दी और एक ने प्यारा सा कट्टा दिया है, ठीक है। अभी छोटी छोटी फुटियों वाली बॉली बन रही है, ठीक है, वो हम पी तो रहे हैं, अभी भी हम इसको गर्म करके पियेंगे, ठीक है। अगर आपने भी पीनी है तो आप भी आ जाएँ, नहीं तो मैं आपके हिस्से की पी लूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो मेरी आपको बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना अपना ख्याल। तो क्या कहते हैं, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।